हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपम और आप देख रहे हैं पाई ऑफ लाइफ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन के इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको एक मैक्सिमम पॉइंट्स कमा के देंगे। नंबर दो, कौन आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे ड्रीम इलेवन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स के लिए, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आप वो मिस कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आएगा कि आप बताइए कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन को। मैं सब इस वीडियो में डाल रहा हूँ, ये आपके लिए ही बन रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर मुझे पुराने वीडियोज़ में ये कमेंट कर रहे हैं कि नया वीडियो कब ला रहे हैं। मेरा वीडियोज़ रोज आता है, रात के 10:30 बजे आएगा, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आज जिस मैच के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सबसे पहला, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन एंड बेस्टो। केन विलियमसन इंजर्ड चल रहे हैं, अगर वो खेलते हैं नेक्स्ट मैच तो अच्छा, अगर नहीं खेल रहे हैं तो मनीष पांडे होंगे आपके प्लेयर। तो यहाँ से तीन प्लेयर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर आते हैं आपके विजय शंकर, रख सकते हैं, अच्छे ऑलराउंडर अभी साबित हो रहे हैं, रन्स ठीक ठाक बना ले रहे हैं, विकेट एक दो निकाल ले रहे हैं, तो अच्छा है। प्रियम गर्ग मैं नहीं रख रहा हूँ, आपको अगर अच्छे लग रहे तो आप रख सकते हैं, कि वो उनको चांसेस बहुत कम मिले, या तो बिल्कुल हार ही जा रहे हैं और जीते वाले मैच बहुत कम, 20-30-40 यहीं तक पहुंच पा रहे हैं। अभी अभिषेक शर्मा चांस नहीं है उनके लिए, बिली स्टैनले को चांस नहीं है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स ऑलरेडी चार ले चुके होते हैं, तीन तो फॉरेन प्लेयर्स ऑलरेडी होते ही होते हैं, तो इस वजह से चौथे के लिए जगह नहीं बन, पाँचवें के लिए जगह नहीं बनती है। राशिद खैनान आपके टीम में होने चाहिए, टी नटराजन ज़रूर होने चाहिए, ये दो आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, शहबाज नदीम एंड संदीप शर्मा। यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी चार बॉलर दिए, तो आपको मैंने अगर आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे, मैं वहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका हूँ चार, आप चार मैं आपके बॉलर्स होने चाहिए, इनफैक्ट कोशिश कीजिएगा छः, रीज़न बिहाइंड, जितने ज़्यादा बॉलर्स होंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स कमाने के चांसेस होंगे। एक बॉलर एक विकेट लेता है 25 पॉइंट, तो आप समझ सकते हैं, और कैप्टन भी वैसे ही चुन के रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स में शेयर सर बिल्कुल वो आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स कमा के दे रहे हैं। कगिसो रबाड़ा बिल्कुल ये आपके टीम में बिल्कुल होना चाहिए, ये है आपके कैप्टन नॉमिनेशन। फिर आते हैं आपके अजिंक्य रहाणे नहीं, रविचंद्र अश्विन बिल्कुल भी नहीं, शिखर धवन ये आपके दूसरे होने चाहिए। एक और पॉइंट, ओपनर्स आपके टीम में ज़रूर होना चाहिए दोनों टीम के, क्योंकि एक भी ओपनर चलता है तो आप समझ सकते हैं 100 पॉइंट आपके बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। शिमन हेटमायर बहुत नीचे आ रहे हैं, मत रखिए इनको टीम में, आपके आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कमा के देंगे। पृथ्वी शाह का भी सेम सिचुएशन, ही इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द टीम नाउ। आवेश खान जगह नहीं मिल रही है, अक्षर पटेल बॉलिंग में उनको इंपैक्ट रखना पड़ेगा, बैटिंग में वो थोड़े बहुत इंप्रूव कर चुके हैं लेकिन बॉलिंग में ऑल दो रन्स रुक रहे हैं, विकेट नहीं आ रहे हैं। ऋषभ पंत का पूरा पूरा फायर खत्म हो चुका है, अब उनमें वो बात नहीं रही। तुषार देशपांडे बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए, हर्षल पटेल ठीक है तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, अमित मिश्रा इंजर्ड हो चुके हैं, कीमो पॉल को जगह नहीं मिल रही है, नॉट से ही इज़ नॉट लाइक वो स्टार्टिंग में खेल रहे थे लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, इस वजह से वो टीम से बाहर हो चुके हैं। तो मैंने सारा टीम बता दिया है आपको वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन और कैप्टन के नॉमिनेशन के साथ। ध्यान रखिएगा तो दो ऑप्शन में बताता हूँ आपको कैप्टन के लिए, उनमें से एक आपको रखना वाइस कैप्टन रखना है, एक आपको कैप्टन रखना है, जो आपको बेटर फील होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर रोज़ हमारा वीडियो रात के 10:30 बजे आता है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि 10:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आए वो चेक कर लीजिएगा, बाद में आप पुराने वीडियोस में आप कमेंट करते हैं कि नया वीडियो कब आएगा, तो ये आपके लिए ही बना रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं छोटा ही बना रहा हूँ आपके लिए आज का। मेरा नाम था रूपम और आप देख रहे हैं पाई ऑफ लाइफ।